सेकंड ईयर के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। इसके अलावा ये जो कोर्स ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी लेवल तक भी इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ़ चेंज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ़ चेंज, आज हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ़ चेंज। अब दोनों के अंदर हम सबसे पहले हम डिफ्रेंस देखेंगे। इंस्टेंट का मतलब होता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी शुरू में आपकी गाड़ी की स्पीड जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर आपके पास जो थी वो उसकी 100 पे चला गया एकदम से, इसी तरह से फिर 20 मीटर पर सेकेंड आई, फिर दरमियान में जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड के साथ भी गया। आपको लाहौर से कॉल आई है, आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं जी किस टाइम तक आप पहुँचेंगे। तो आप अगर 100 के स्पीड के अकॉर्डिंग आप बताएंगे तो आप बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। आप 5 के साथ बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 के रिस्पेक्ट बताएंगे, 20 के रिस्पेक्ट, तो उसके ऊपर डिफरेंट वैल्यू डिपेंड करता है। अब इस वक्त आपको फिर चाहिए था एवरेज चाहिए था, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग बताएंगे तो फिर आप उनसे लेट पहुंचेंगे, मे बी आगे स्पीड अगर कम हो जाए तो, फिर अगर बहुत कम बताएंगे तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं, इनकेस अगर स्पीड क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, इस वक्त फिर आपको एवरेज लेने की ज़रूरत पड़ती थी। सिमिलर आपके पास एग्जाम्पल जिस तरह एक बच्चा है जिसने 99 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, इंग्लिश में 30 ले लिए हैं, और उर्दू में उसने जो है वो 100 आउट ऑफ 100 ले लिए, और फिज़िक्स में उसने 15 मार्क्स लिए। अभी अगर 15 को देखेंगे तो वो बच्चा फेल है, 30 को देखेंगे तो पास हो गया, 99 को देखेंगे तो बहुत अच्छा, और 100 को देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग। इसके अकॉर्डिंग वो टॉपर है, इसके अकॉर्डिंग भी टॉपर कंसीडर किया जा सकते हैं, यहाँ वो 0 पे इस तरह से आ सकते, तो आप उसके मुताबिक उसको टॉपर भी नहीं कह सकते। इस वक्त भी आपको एवरेज लेने की ज़रूरत पड़ती थी, एवरेज आप लेते थे उसके बाद बात करते थे, तो इसको हम कहते थे एवरेज रेट ऑफ़ चेंज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा। आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा प्रीवियस टॉपिक एवरेज का तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखते हैं जिसके अंदर एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप लाहौर जा रहे हैं, आपकी आँख लगी हुई थी, आपको नहीं पता कि पहले किस स्पीड के साथ जा रहा था, अब किस स्पीड के साथ, आगे किस स्पीड के साथ जाएगा, आपने कोई इन्फ्लुएंस वगैरह उससे नहीं ड्रा की। आपकी जैसे ही आँख खुलती है और स्पीड मीटर पर लिखा होता है जी 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑन द स्पॉट उस शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो स्पीड थी दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम उसकी थोड़ा सा हम ग्राफिकली इसको देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। लास्ट टाइम भी हमने इसका जो स्लोप फाइंड किया था, इस लाइन का नाम हमने रखा था जी सीकेंड लाइन रखा था, इसका हमने वो स्लोप फाइंड किया था, तो ये पॉइंट पी से लेकर क्यू के दरमियान में जो लाइन थी इसका हमने फाइंड किया था, और उस वक्त हमारे पास दो पॉइंट थे, एक एक्स था और दूसरा हमारे पास X1 था, इसके अंदर आ रहा था जो डिफ्रेंस डेल एक्स आ रहा था। इसी तरह इसका जो आपके पास डिफ्रेंस आ रहा है, मैं अगर लेना चाहूँ तो ये ऊपर वाली वैल्यू अपर वैल्यू इसकी जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और ये वाली वैल्यू कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है। जिस तरह मैंने इसको डेल एक्स कहा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगी ये वाली वैल्यू, ये जो लाइन आपको चाहिए ये, इसी तरह से यहाँ पर क्या आ गया डेल एक्स आ गया। आज का जो काम है हम टोटल उसको इंस्टेंटेनियस फॉर शार्ट इंटरवल किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये जो लाइन हमने ये जो ली हुई है, हम यहाँ से ये पॉइंट से पहले हमने ये ली थी, इस लाइन को मैं ये जो एक्स आपके पास है X1 पे था, तो मैं इसको कोशिश करूँगा ड्रैग करके किसी एक पॉइंट की तरफ लेते जाऊँगा। मैं इसको रोटेट करूँगा, इस पॉइंट को इस तरह टेंड करते 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 मूव करते मैंने इसको टच कर देना कि इसके ऊपर पीक ऊपर लेकर जाना। क्या करना है हमने यहाँ पर, मेरा जो पॉइंट था वो ये X1 था, इस X1 को मैंने ड्रैग करना है। जब फर्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा जी ये इधर से आ जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, मूव करवाते रहना है, करते 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 हम जो है कि एक इस पॉइंट पर आ जाएंगे कि डेल एक्स अप्रोच कर जाएगा किस चीज़ को, ज़ीरो को, मतलब कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू आपके पास इधर तक बहुत ज़्यादा आ रही थी, यहाँ पर कम होती जाएगी कम होती जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा ये लाइन बिल्कुल इस पी को क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी, तो पी के एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी, तो उस लाइन को फिर हम क्या कहेंगे टेंजेंट लाइन। तो उस वक्त जो इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो टेंजेंट लाइन आएगी इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसको फिर हम क्या कहेंगे एवरेज कहेंगे, क्योंकि इस पे जो X1 था वो डेल एक्स जो आ रहा था वो किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ज़ीरो को, तो इस वक्त हम उसका जो भी स्लोप होगा दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले हम प्रीवियस टाइम लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था राइज डिवाइडेड बाई क्या होता है जी रन होता है, हम उस राइज और रन को यूज़ करेंगे अगेन। तो अभी आपके पास जो पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन इसके ऊपर बनेगी, इस लाइन का नाम हम क्या रखेंगे जी टेंजेंट लाइन रखेंगे।
टेनेट लाइन वो लाइन होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे, इस लाइन का नाम क्या रखा जाता है, टच करे, तो इसे क्या कहते हैं, टेनेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम ये स्लोप ऑफ द टेनेट लाइन एट अ पॉइंट पी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू राइस, राइस मीन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। क्या होगा जी, राइस हमारा अपर पॉइंट क्या है जी, एफ ऑफ एक्स वन प्लस टेल एक्स वन, एफ ऑफ एक्स प्लस टेल एक्स माइनस जो इनिशियल पॉइंट है जी इसका एफ ऑफ एक्स, तो ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगी जी, नीचे हमारे पास क्या होगा जी, लोअर एक पॉइंट है एक्स वन, दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है जी एक्स, एक्स वन माइनस के आगे एक्स आगे। अब स्लोप जो है, ये स्लोप जो हम इसको ज़ाहिर करेंगे, किससे ज़ाहिर करेंगे जी, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन इक्वल किसके होता है जी, लास्ट टाइम भी हमने देखा था एक्स वन इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी, डेल एक्स हो जाएगा माइनस एफ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब ये फार्मूला उसी प्रीवियस फार्मूले की तरह सिमिलर हो गया, लेकिन अभी इसमें हमने डिफरेंस क्या करना है जी, हम अप्लाई करेंगे जी लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट दोनों तरफ ये लगाएंगे जी, डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाएगा किसको, ज़ीरो को, जो रेकर हम पीछे लेकर आए थे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या था जी, डेल एक्स। ये बन जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स था। आप इसको ये भी कह सकते हैं वाई प्राइम भी कह सकते हैं और एफ ऑफ एक्स प्राइम भी कह सकते हैं। राइट साइड पे हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है, इसको हम के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो कोफिशेंट हमने लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स, एक्चुअल में डेल वाई बाई डेल एक्स है, लेकिन इसके साथ क्या लिमिट है, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये जो हमने मैंने लिखा है डेल वाई बाई डेल एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका नाम हमने रखा हुआ जी एफ प्राइम ऑफ एक्स। और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल कोफिशेंट, इसको आप क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कोफिशेंट। ये हमने फाइंड कर लिया जी डेरिवेटिव, और इसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इस प्रोसेस जिसके ज़रिए हमने वो उसको ड्रैग करवा के पीछे मूव करवा के हमने उसको फाइंड आउट किया, इस सारे प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा हुआ जी, डिफरेंशिएशन कहेंगे। ये जो हमने सारा काम किया जिसमें हमने ये ड्रैग करके इसको मूव करवा के ये सारा कुछ फाइंड किया, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। और इस ऑपरेटर का नाम जो हमने रखा है ये कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और ये जो ऑपरेटर डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका नाम रखा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है, डिफरेंशिएशन रखा जाता है, डिफरेंशिएशन। अब हम इसकी इंस्टेंटेनियस की डिफिनेशन करेंगे। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट पी, जो पी पॉइंट हमने लिया था उसके ऊपर, इस अ डेरीवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरीवेटिव हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। मतलब कि डेरीवेटिव आप फंक्शन का फाइंड करते हैं, डेरीवेटिव का मतलब उस फंक्शन के ऊपर चेंज फाइंड करते हैं, डेरीवेटिव का मतलब आप फंक्शन के ऊपर क्या फाइंड करते हैं, चेंज फाइंड करते हैं डिपेंडेंट के अंदर, किसके रिस्पेक्ट, इनडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट, तो उसको आप फिर क्या कहते हैं जी, डेरीवेटिव कहते हैं। जब भी आप फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करेंगे डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट के साथ किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, तो उसका नाम आप क्या रखते हैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रखते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इस मेथड का दूसरा नाम जो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको आप कहते हैं। इसी के साथ साथ इसका नाम आता है एबनिशियो मेथड भी कहा जाता है, इसको एबनिशियो मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये आप एग्जिस्ट कब करेगा, किस तरह की बात हम इसके अंदर देखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये जो लिमिट थी ये इक्वल इस चीज़ के आ रहा था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो अब ये एफ ऑफ एक्स जो होगा इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल
व्हाट इज़ मीन बाय डिफरेंशिएबल, मतलब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एक्स आर पी के ऊपर, ठीक है, कब, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस, जब आपके पास ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का दूसरे लफ्ज़ों में यह मतलब है कि जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स जो है ये एग्जिस्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करे, तो उसको आप क्या कहेंगे जी, ये डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस, छोटा सा हम देखते हैं, मतलब एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट ये है, इसके अंदर आप कोई भी कर्व बनाते हैं, आपका पेन ना उठे, तो उसको आप क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसका आप डेरीवेटिव किसी पॉइंट पर चेक करेंगे तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे फंक्शन को। एक एग्जाम्पल इसके रिलेटेड हम ट्राई करते हैं जी, वही एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास है थ्री एक्स आगे मैं, और लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डेट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज़ करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, आपको पता है किसके इक्वल होते हैं जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आता है जी, डेल एक्स आता है। एस एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और साथ में लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो चलें जी, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स फाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स है थ्री एक्स, सिंपल एक्स को रिप्लेस करेंगे डेल एक्स के साथ, इधर भी थ्री एक्स की अगर क्या लिख लिया जी, एक्स प्लस डेल एक्स रख दी। अब यहाँ से हो गया जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स, तो यहाँ से इस वैल्यू के अंदर सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ये क्या लिखेंगे, थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये इसके साथ कैंसिल। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो थ्री डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स कैंसिल। f prime of x is equal to 3 limit del x approaches to 0, अब del x है नहीं है तो सिंपल हमारे पास यही आंसर रहेगा f of x equal to 3। इन केस अगर इसकी जगह फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आ भी जाता del x आ जाता, मैं लेट करता हूँ, लेट करते हैं कि अगर हमारे पास ये एंड में ये बच जाता 3 del x बच जाता और साथ में प्लस x आ जाता, तो तब भी अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते तो जिधर del x उसकी जगह 0 पुट करते 0 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स ज़ीरो प्लस एक्स, ये आगे एक्स। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर हम जो डेल एक्स की बात करते हैं तो जहाँ पर भी ये हम डेल एक्स हमें नज़र आया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा जी, वो जो भी वैल्यू आपके पास है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, डेल एक्स जो भी है वो आपके पास किसको ज़ाहिर करेगा जी, उसके अंदर इंक्रीमेंट को, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम होता है अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज। आज जो हमने डिस्कस किया है वो इंस्टेंटेनियस है, इसका दूसरा नाम अप्रॉक्सीमेट जो था वो सेकंड लाइन के लिए था, आज जो हमने डिस्कस किए वो टेंजेंट लाइन के लिए डिस्कस किए। तो टेंजेंट लाइन से रिलेटेड जो था वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, इसका दूसरा नाम है एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस का दूसरा नाम है एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकते और नेगेटिव, मतलब इसका आंसर प्लस में भी आ सकते और माइनस में भी आ सकते हैं। अब यहाँ से इसकी कुछ नोटेशन हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, नोटेशन मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से आप जाहिर करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स आप लिखेंगे तो इसको आप ये रीड करेंगे जी एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इसका भी वही मतलब होगा जी डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसका मतलब सबका जो भी मैं नीचे लिखूंगा उसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब हो। अगर आप इसको यूँ लिखते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे जी डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट जिसके लिए भी इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर मैंने इसका डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स इंडिपेंडेंट और वाई क्या आ गया आपके पास डिपेंडेंट आ जाएगा।
अच्छा, आप इसको, ये जो आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा इसकी बजाय आप एफ सिंपल एफ प्राइम भी आप लिख सकते हैं, इसका भी यही मतलब। इसी तरह आप इसको यूं भी जाहिर करते हैं, कैपिटल डी और एक्स, इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब जब भी आपके पास एक्स नज़र आया तो इसका मतलब भी वही डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, डी सब एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डी सब एक्स। सबक्रिप्ट और एक होता है सुपरक्रिप्ट, इसको सबक्रिप्ट नीचे जो लिखा जाता है सबक्रिप्ट क्रिप्ट होता है, और ऊपर जो कोई लिखा गया तो उसका सुपरक्रिप्ट। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, डी सब एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जो सबक्रिप्ट है वो एक्स है, यानी नीचे इंडिपेंडेंट वो आपके पास एक्स है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कोई भी। आप इसके बजाय वाई प्राइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप इसी तरह से रीड करेंगे जी वाई प्राइम, और इसका भी यही मतलब होगा कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू सम एक्स यानी और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी हम जो हमने ये सारा स्लोप फाइंड किया टेंजेंट लाइन के रिस्पेक्ट, तो हम इसको टेंजेंट लाइन की डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन आपके पास क्या होगी, लाइन होगी किसी भी फंक्शन है, कोई आपके पास कोई ग्राफ बन रहा है ये फंक्शन, इसके किसी एक पॉइंट को जो टच करती है लाइन, इसको आप क्या कहेंगे जी, ये टेंजेंट लाइन है। और ये टेंजेंट लाइन आप किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जी, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है, इस पॉइंट के एक्स की वैल्यू है, और ये वैल्यू इसके आपके पास क्या आएगी जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इस पॉइंट का जो आर्डर पेयर होगा एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाहेंगे, वो होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, डेल एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास लिमिट इसकी है एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा, यानी देयर एग्जिस्ट टेंजेंट लाइन। तो मतलब इसका ये होगा कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है, टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब नो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, नो डेरिवेटिव आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, नो डिराइवेबल भी कह सकते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट डिराइवेबल आर नो डेरिवेटिव। नो डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा जी, इसकी कोई टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह के ऊपर इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल दूसरे तीसरे फंक्शन के बाद।